डिसीजन आएगा, और मैं समझता हूँ वैसे ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक बिल है और इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। रही बात इसकी कि बिल किस तरह का है, तो आप सब जानते हैं पूरी तरह से असंवैधानिक बिल है। अगर देखा आप शुरू में देखें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाता हुआ यह बिल है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। और गोलकनाथ वाले केस में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उससे किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा बिल आता है, कोई भी ऐसा विधेयक आता है, कोई भी संशोधन ऐसा आता है जिससे संविधान के मूल ढांचे को खतरा होता है या उसको ख़त्म किया जाता है, उस ढांचे को छिन्न भिन्न किया जाता है, तो वो असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो इस आधार पर मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको अमान्य घोषित करेगी, असंवैधानिक घोषित करेगी। क्यों है ये, इसको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। देखिए दो तीन तरह की चीज़ें हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले क्या आपने कोई सर्वे किया है क्या? अगर आपके पास कोई सर्वे है, कोई आंकड़े हैं, कोई रिपोर्ट है, आप उसके आधार पर तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिपोर्ट है, ये हमने सर्वे किया है, इसलिए हमको ये बिल या ये जो सारी चीज़ें संवैधानिक संशोधन लाना पड़ा है वो इस वजह से हमें लाना पड़ा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन है क्या इस पूरे केस में, सरकार ने किसी तरह का कोई सर्वे नहीं कराया, सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार क्योंकि जो भी ये काम कर रही है भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए कर रही है और मुसलमानों को टारगेट करके लिए सारे काम कर रही है। आप शुरू से देख लें, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे घर वापसी का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, और चाहे अभी ये जो आपका अयोध्या मंदिर का मामला हो, और अभी ये जो बिल आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये इसका मामला, हर उसमें केवल उनका एक ही काम है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं उन पर सरकार पूरी तरह से फेल है। क्या है इस देश के मेन मुद्दे? इस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है। अकेले नोटबंदी से ही 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। GST के बाद देखा पूरी तरह से व्यापार ठप हो चुका है, और जो मझोले स्तर का व्यापारी है, छोटे स्तर का व्यापारी है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और GST में जितने कलेक्शन की बात थी वो कलेक्शन नहीं हुआ, रोजगार लगातार जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, एक भी रोजगार सरकार पैदा करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि जो भी लगभग 1 करोड़ नौकरियाँ जो केंद्र सरकार के अंतर्गत और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत खाली पड़ी गई थी, उन्हीं को अगर भर देती तो इतने लोगों को रोजगार मिलता, वो भी नहीं किया सरकार ने। और इसके अलावा जो महिला सुरक्षा आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, किसानों की स्थिति जो बद से बदतर होती चली जा रही है, मजदूरों की स्थिति जो बद से बदतर होती चली जा रही है, जो लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नोटबंदी से जो पैसा उनके पास था, उनके परिवार की जो हमारे परिवार की महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें जो रख लेती थी बचा के लिए, जब बुरा समय आएगा उसके लिए, वो आपने निकाल लिया। और जितने भी बड़े उद्योगपति हैं आपने उनका सारा कर्जा लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को अब तक माफ कर चुकी है। क्या लगते हैं वो तुम्हारे दामाद हैं क्या? इतना बड़ा रिश्ता है उनसे कि जो तुम उनका कर्जा माफ कर रहे हो? पहले ही NPA में जो पैसा है 80% पैसा जो NPA है बैंकों का, जो अब तक लगभग 12.5 लाख करोड़ के लगभग है, उसमें 80% उन्हीं बड़े उद्योगपतियों का है। तो NPA हो गया, प्लस आपने उनको 2,35,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, और फिर उनको अभी आपने सरकार ने 1,45,000 करोड़ की छूट दी है। तो आप केवल उनके लिए काम कर रहे हो और जो मेन मुद्दे हैं उनसे आप ध्यान भटका रहे हो। निजीकरण में आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया देश को, जो नौकरियां थी वो भी लगातार जा रहे हैं, चाहे वो BSNL हो चाहे MTNL हो, इन दोनों के 2 लाख कर्मचारी आप जाने 1.25 लाख कर्मचारियों को निकालने की बात है, जिसमें 92,000 से ज़्यादा कर्मचारी VRS के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। ये स्थिति सरकार की है, तो ये सब कुछ जुलाया गया है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए। सर BJP का कहना है कि ऐसा बिल कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस भी ऐसा बिल लाती रही है। आप किस नहीं कांग्रेस लाती रही है, कोई भी लाती रही है, उसका पूरा देना डाटा, वो पूरा डाटा तो दिया नहीं है सरकार ने, सिर्फ जुबानी कह रही है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस लाती रहे तो आप क्या कर रहे हो? आप तो देशभक्ति की बात कर रहे हो और आपकी बात पर विश्वास कैसे कर रहे हैं? 2014 की पूरी कैंपेन देखें, चौकीदार की जो पूरी कैंपेन है 2014 की देखें, उसमें क्या कहा उसने? हम GST नहीं लाएंगे, GST का विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध किया, FDI का विरोध किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजों का विरोध किया, लेकिन
सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद में इन सारी चीजों को ही 5 साल उसने काम किया। जीएसटी बोले कह रहे, नोटबंदी के लिए कहा नहीं, नोटबंदी लिए कह रहा है, एफडीआई 100% कर दी, पहले 51% से भी कम थी, इन्होंने 100% कर दी एफडीआई, आधार कार्ड हर चीज में आधार कार्ड घुसेड़ दिया, तो कैसे विश्वास करें? क्योंकि जो जो बोला वो झूठ बोला, बोला कुछ किया कुछ, जो बोला उसके उलट काम किया, तो कैसे विश्वास कर रहे हैं इनकी बात पर? गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो इनकी बात पर कैसे विश्वास करें? मैं बहुत सीधे से कहता हूं, जो भी भाजपा या यूं कहो चौकीदार या गृह मंत्री जो कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं उसमें ना लगा लीजिए, नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं करेंगे समझ लीजिए कि नहीं करेंगे, बिल्कुल उसका उलट काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ तय किया था उन्होंने, क्या वो सारे वादे पूरे कर दिया उन्होंने? मैनिफेस्टो में एक वादा नहीं है, मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दे दिया क्या 2 करोड़ रोजगार? मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादा किया था कि हम एफडीआई लागू नहीं करेंगे, हम जीएसटी लागू नहीं करेंगे, किया नहीं क्या? इसको वादे को पूरा किया उन्होंने? नहीं किया। तो वादे तो उसमें चाहे जितने भी कर लें, और भी कितने ही वादे हैं, उन्होंने गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको भी वापस देने का किया था, उनमें अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी तो छोड़ो जितनी थी उससे भी कम हो गई, और 1200 रुपए का डीएपी का कट्टा मिला और उसमें भी 50 किलो खाद था, 5 किलो कम हो गया, 45 किलो रह गया, और यूरिया मिल भी नहीं रहा। आपने कल ही रात रिपोर्ट देखी होगी, एनडीटीवी वालों ने दिखाई है कि मध्य प्रदेश में यह हालत हो गई, केंद्र सरकार को जितना यूरिया सप्लाई करना था वो यूरिया सप्लाई नहीं कर रही है, ये हालत है। तो जो कहे वो कुछ रहे हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, लच्छेदार बातें। ये बिल मुस्लिम विरोधी है या संविधान? 100% ये मुस्लिम विरोधी भी है, ये संविधान विरोधी है। क्यों संविधान विरोधी क्यों? मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार है, और जिसे हमारी प्रस्तावना भी कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और उनमें व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। तो देश की एकता अखंडता कहाँ बनी? आप देख रहे हो पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जलना नहीं जल रहा, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से जल रहा है, देश में हर जगह आंदोलन हो रहा है, यही आप देख लीजिए कि इस समय जंतर मंतर पर कितना आंदोलन, सारे के सारे सरकार के विरोध में है और यही इसके कैब के विरोध में है। तो जो संविधान की मूल भावना है उसको तार तार इन्होंने कर दिया। धर्म निरपेक्ष की बात करता है हमारा देश का संविधान, धर्म निरपेक्षता खत्म कर दी। आप दे रहे कह रहे हो आप कि जो प्रसिक्यूट हुए यानी जिनके साथ में धार्मिक प्रताड़ना हुई है वो अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और तुम्हारे अपने देश में जो हो रहा है उनका क्या करोगे तुम? उनके लिए तुमने क्या किया? और इसके अलावा बाकी और देशों में जो हो रहा है उनको क्यों नहीं ला रहे? आप किस तरह से दुहात की बात कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट है आपके पास में? कोई रिपोर्ट नहीं है सरकार के पास में, किसी तरह की रिपोर्ट नहीं है। आपने क्या उनसे बात करी? उनको जो आप कहते हो कि जो लोग यहाँ पर पहले तो आप इनको कहते थे घुसपैठिए, और आप अब आपने शब्द बदल दिया इसमें कैब में, आप कह रहे हैं नहीं वो प्रवासी भारत वो हैं जो अवैध प्रवासी जो हैं, घुसपैठिए को अवैध प्रवासी में आपने बदल दिया। तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या बांग्लादेश से बात करी, आपने क्या पाकिस्तान से बात करी, या क्या आपने अफगानिस्तान से बात करी कि भाई आप धार्मिक आधार पर इनके साथ में भेदभाव क्यों कर रहे हो? नहीं करी ना आपने। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया? नहीं उठाया। आपकी सनक है, और सनक क्या है कि आपकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम है, इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए और मुसलमान को टारगेट करते हुए आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये मुसलमान विरोधी ही नहीं, मुसलमान विरोधी तो ही है, इस देश की एकता अखंडता को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, इस देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए ये विधेयक जो लाया गया, जो पास होकर बिल बन चुका है, सरकार ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, लेकिन अगर तुम में दम हो तो इसे लागू करवा लेना, आप देखेंगे कैसे इस देश की जनता लागू होने देगी। कहाँ है आप इसको समझिए कैसे नहीं, क्यों क्यों चला, क्यों चला उसके आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं लाए हैं। आपने देखा कि एनआरसी जो आसाम में की गई उसमें जो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, जो बाहर हो गए ना उससे, तो उसमें है क्या कि लगभग 15 लाख लोग हिंदू हैं, जो 15 लाख लोग उसमें हिंदू हैं, उन 15 लाख लोग जो हिंदू हैं अब वो बाहर हो गए तो कैसे करें? अब इनके खिलाफ ये हो रहा कि भैया कैसे ये सारी की सारी चीजें होंगी? तो इन्होंने उन सारी चीजों को करने के लिए को हिंदू जो है उनको एक बड़ी जबरदस्त वो मिल जाए, एक उनको जो है नागरिकता मिल जाए, इसलिए ये सारी की सारी चीजें इन्होंने की हैं। उससे होगा क्या? जो वहाँ का जो उनके इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जो अपनी जगह है वो अपनी जगह में ही
वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसलिए उनकी संस्कृति भाषा को लेकर इसलिए वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस बिल के खिलाफ में कर रहे हैं जो सही है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।